आदाब, मैं श्रीलता चीफ डाइटिशियन हूँ। हम सबकी ज़िंदगी न्यूट्रिशन पे डिपेंड होता है। अभी हम लोग जितना मॉडर्नाइजेशन हुआ है, इसके वजह से हम लोगों का जो साइकोलॉजिकल डिप्रेशन है या फिज़िकल फिटनेस जो चला गया है आदमी को, ये मॉडर्नाइजेशन से हुआ है। और जो न्यूट्रिशन हम लोग ले रहे हैं, जैसे हम लोग चीनी को देखते हैं वैसे ही हम लोग नूडल्स मंचूरिया खाते हैं, हालांकि इसमें ज़्यादा मैदा होता है, जिसमें जो न्यूट्रिशन कंपोनेंट्स जो हमारे देसी जो खाने में रहता है वो इस खाने में नहीं रहता है। जैसे हम नॉर्थ इंडिया में देखेंगे तो रोटी चावल पराठा राजमा खाते हैं, साउथ इंडिया में सांभर राइस दाल सब्जी खाते हैं। ये सारे ऐसे पोषक है जिसमें कि विटामिंस मिनरल्स फाइबर एडिक्वेट रहता है। इसको सही मात्रा में खाने से हमें कुछ भी बीमारी नहीं आते हैं। हम पिज़्ज़ा बर्गर लेंगे, जैसे इटालियन के फूड्स हैं जिसमें भी फैट ज़्यादा है, चीज़ ज़्यादा है, और जो स्टफ़ जो इस्तेमाल करते हैं उसमें बेस जो भी है अजिनोमोटो डालेंगे या फूड प्रिजर्वेटिव्स डालते हैं। ऐसा हम लोगों ने मॉडर्नाइजेशन में हर दुनिया के हर एक कंट्री से ऐसे कुछ चीज़ अडॉप्ट कर चुके हैं, वो हमारे पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ बन चुका है। माने इस तरह का ज़िंदगी से हम लोगों को डायबिटीज़ हो रहा है, हाइपरटेंशन हो रहा है, दिल की बीमारी आ रहे, साइकोलॉजिकल डिप्रेशन में जा रहे हैं, और बच्चों में भी ये सब भी पता चल रहा है। छोटे से छोटे उम्र में, माने 6 इयर्स 10 इयर्स में इतना एडिक्शन है सॉफ्ट ड्रिंक्स को और इतना एडिक्शन है जंक फूड्स को कि इन लोगों में भी हाइपरटेंशन 6% पॉपुलेशन में है, बच्चों के पॉपुलेशन में डायबिटीज़ 8% में है और 6% में हाइपोथायरॉयडिज्म। ये सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड्स हम लोग जो फॉरेन फूड्स को अडॉप्ट कर चुके हैं इसके वजह से। अभी हमारा मीडिया का एक्सपोजर ज़्यादा है, एक्सपोजर जिसे अखबार पढ़ते हैं, मैगजीन्स पढ़ते हैं, न्यूज़ चैनल्स देखते हैं और व्हाट्सएप भी देखते हैं, तो इससे लोगों को अच्छा जानकारी हुआ है, अवेयरनेस हो गया कि न्यूट्रिशन क्या चीज़ है। और एक चीज़ है हमारे इंडियंस में कि सब देखते हैं जानते हैं मगर प्रैक्टिस में नहीं रखते हैं। जब हम लोग ये न्यूट्रिशन को इम्पोर्टेंस देते हैं और प्रैक्टिस में रखते हैं, माने अपना जो कल्चर है, जो खाने का कल्चर है, वो सब दुनिया में सबसे एक्सेलेंट है। जैसे बोलते हैं कि एक इंडियन किचन इज़ इक्वलेंट टू एक फार्मेसी, दैट मीन्स एक किचन जो हमारा इंडियन में कुकिंग बनता है साउथ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, वो दैट इज़ इक्वलेंट टू एक मेडिकल दवाई का शॉप जो है, उतने मेडिसिंस मिलते हैं। उसको सही मात्रा में बनाना हमारा रेसिपीज़ रहता है, ये हम फॉलो करेंगे। जहाँ से भी हमको जानकारी मिलता है उसको प्रैक्टिस में रखना चाहिए। अगर हम सब सुन के यहीं पे छोड़ेंगे तो हमारा इलाज कुछ भी होने वाला नहीं। आजकल हम देखते हैं कि 25 इयर्स में दिल का बीमारी होता है। इतने सारे सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स हैं हमारे स्टेट में, तो हज़ारों लाखों में हैं। सबको फैटी लिवर हो जाता है 25 इयर्स में, हाई कोलेस्ट्रॉल होता है, हाई ट्राइग्लिसराइड्स होता है और हार्ट अटैक्स आते हैं, स्ट्रोक्स आते हैं। वजह क्या है? ये अनहेल्दी फूड हैबिट्स है। जब हम हेल्दी फूड खाएंगे, अपने हिसाब से एक्टिविटी करेंगे और जितना भी इंफॉर्मेशन मिलता है उसको प्रैक्टिस में करेंगे, तो इस सब से हम दूरी रह सकते हैं। न्यूट्रिशन एक ऐसा चीज़ है आजकल इतना इम्पॉर्टेंट हो गया, हम लोगों को इसको ट्रैक करने की यूँ ज़रूरत पड़ा कि हम लोग इनएक्टिव हो गए फिज़िकली। पहले के ज़माने में आप देखेंगे तो हम लोगों को चल के बस स्टॉप तक जाना पड़ता था। जब यू हैव टू टेक बाथ, नहाना पड़ता है तो पानी सेंकते थे, जब बोरवेल्स नहीं थे, स्कूल जाना है पैदल जाना पड़ता था, सब्जी लाना है पैदल जाना पड़ता था, ऊपर चढ़ना है पैदल, वी यूज्ड टू बी फिजिकली एक्टिव। हम लोगों को इतना मेहनत करना पड़ता था कि जो भी खाते हैं उसका फुल और फाइन उनका एक्सपेंडिचर हो जाता था। आजकल क्या हो रहा है, हम लोगों का शारीरिक श्रम कम हो गया है, माने हम लोग ज़्यादा खाते हैं, किसी को इन्वाइट करते हैं तो बड़ी मग में कॉफ़ी मोचा और ऐसे वाले रिच कॉफ़ीज़ देते हैं, बिकॉज इट इज स्टेटस। तो हम लोग ज़्यादा कैलोरीज देते हैं, उसके साथ बड़े बड़े कुकीज़ देते हैं। ये हमारा कल्चर नहीं है कि हम लोग ऐसे रिच कॉफ़ी सर्व करना। हमारा कल्चर होता है कि बटर मिल्क दे दो, नारियल पानी दे दो, नींबू पानी दे दो या चाय कॉफ़ी कुछ दे दो। ये सारे रिच जो हम लोग सर्व कर रहे हैं, अभी कार्बोनेटेड बेवरेजेस सर्व करते हैं, आइसक्रीम्स पुडिंग्स डेजर्ट सर्व करते हैं, ये सब में ज़्यादा कैलोरीज रहता है। माने एक छोटा सा डेजर्ट खाते हैं एक दो सर्व का, हमारा लंच या डिनर का कैलोरीज उसमें आ जाता है। और जो हम लोग जो काम कर रहे हैं आजकल, माने हम लोग गैजेट्स का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं,
इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का इस्तेमाल करते हैं, राइस कुकर में खाना बनाते हैं, वॉशिंग मशीन में, डिश वॉशर में धोते हैं कपड़े और बर्तन, और हम लोग लिफ्ट ज़्यादा यूज़ करते हैं, और वॉकिंग इतना कम है कि हम लोगों को आजकल ये मैंडेटरी प्रैक्टिस हो गया कि 30 to 1 hours वॉकिंग करना चाहिए। पहले से हम लोगों को ऐसा कोई रूल नहीं है कि हम लोगों को एक्सरसाइज करना है, क्योंकि हम लोग पहले से बहुत फिजिकल एक्टिव थे, अभी इनएक्टिव होने के वजह से हम लोगों को एक्टिविटी मैंडेटरी हो गया है। तो जब हम वी स्टार्ट लिविंग अ लाइफ विच इज़ वेरी नॉर्मल, जब तक हम आम इंसान के लाइफ में नहीं जाएंगे तब तक हम लोगों को फिटनेस एक पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ होता है। माने 30 to 60 minutes चलना चाहिए, 10,000 कदम लेना चाहिए हर दिन, और 30 मिनट्स का योगा, एरोबिक्स या जिम या स्विमिंग ऐसे कुछ ज़रूरी करना चाहिए। बैलेंस डाइट कुछ भी नहीं, ये सिंपल लैंग्वेज में बोलने के लिए हम जो भी खाना चाहिए, जैसे हमारे खाने में रहेगा रोटी चावल, जैसे आप नॉर्थ को साउथ को लेते, बाजरे का बनेगा, ज्वारी का बनेगा, मकई का बनेगा, या चावल का रोटी भी बनेगा, गेहूँ का रोटी भी बनेगा, जो भी रोटी है हमारे हाइट, वेट और एक्टिविटी के हिसाब से, जैसे कद है, वज़न है, जो काम करते हैं, जैसे एक लेबरर है वो रिक्शा पुल करता है या पत्थर मारता है, उसको ज़्यादा एनर्जी एक्सपेंडिचर होता है, उसको 5-7 रोटी या 6 रोटी की ज़रूरत पड़ती है। जैसे एक आदमी है जो 40 साल का है, वो आईटी प्रोफेशनल है, पहले से उसका वज़न ज़्यादा है, सिर्फ दिन भर बैठ के काम करते हैं, उनको 2 रोटी बस हो जाना चाहिए, क्योंकि उनका जो डाइट है वो ऑलरेडी एक्सेस हो गया है, इनको कैलोरीज बर्न करना है। जैसे हमारे डाइट में जो चावल रोटी है वो रहना चाहिए, सब्जी दाल जो है वो सही मात्रा में हर दिन रहना चाहिए, और जो फल सीजन के हिसाब से जो खाते हैं वो हर दिन एक रहना चाहिए, और हम लोगों को नट्स एंड ऑयल सीड्स और तेल चीनी कम मात्रा में रहना चाहिए। ये सारे चीज़ हमारे एक दिन के अंदर खाने में ज़रूर रहना चाहिए, और ऐसे खाने से हम लोगों को डिजीज़ फ्री लाइफ रहता है, माने कुछ भी दिक्कत नहीं रहता है, ना खाना अजमत होने में दिक्कत होता है, ना एक्सक्रीशन में, मोशन पास करने में दिक्कत नहीं होता है, और हमें एनर्जी लेवल्स बढ़ के रहेगा, और लाइफ इजी रहेगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होएगा। इसको बैलेंस डाइट बोलते हैं। जब सही मात्रा में सारे फूड ग्रुप्स हमारे डाइट में रहेंगे, इसको बैलेंस डाइट बोलते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सब लोगों को मालूम है न्यूट्रिशन इम्पॉर्टेंट है, सबको मालूम है फिटनेस, और जब भी हम जिम करते हैं या फिटनेस करते हैं, मसल फैटिक बहुत कॉमन होता है। हमारे मसल के लिए इम्पॉर्टेंट मिनरल्स की ज़रूरत पड़ता है, जैसे कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, ये सारे चीज़ हमारे बैलेंस डाइट में मिलेंगे। हालांकि हम लोगों को नट्स है, बादाम, पिस्ता, अखरोट, मूँगफली, ऐसे वाले नट्स एंड ऑयल सीड्स में हम लोगों को ये मिलते हैं, और पोटेशियम जो है ये लीफी वेजिटेबल्स वेजिटेबल्स में मिलते हैं। तो हर एक दिन हम लोगों को लीफी वेजिटेबल्स लेना चाहिए 100 ग्राम्स तक, और हमारे फ्रूट्स जो हैं सीजन के हिसाब से 1-2 फ्रूट लेना चाहिए। गलती से भी कभी भी हम लोगों को फल के रस नहीं लेना चाहिए, और जहाँ तक हो सकता है छिलके के साथ और बीन्स के साथ खाना चाहिए। जैसे अमरुद है, थोड़े लोग उसको अंदर का बीन्स निकाल के खाते हैं, वो रॉन्ग प्रैक्टिस है, ऐसे नहीं करना चाहिए। और अनार है, उसका छिलका निकालना ही पड़ता है, ठीक है ना। तो हम लोगों को सोचना चाहिए कि बीन्स को खाना चाहिए, ठीक है ना। बहुत सारे लोग अनार का रस निकाल के वो बीन्स फेंक देते हैं। अनार के रस में और सीड्स में बहुत फ़र्क होता है। उनके सीड्स में ऐसा एक मेडिसिनल क्वालिटी है जिसे वो प्रोस्टेट ग्लैंड को एनलार्ज होने में से अवॉइड करता है, और कैंसर सेल्स को फाइट करने में हेल्प करता है। तो हम लोगों को ऐसा सोचना चाहिए कि फल, लीफी वेजिटेबल जो है, पत्तेबाजी, हरेबाजी हर दिन रहना चाहिए, नट्स एंड ऑयल सीड्स हर दिन रहना चाहिए जब हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं। ये जो कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम है, इसका बैलेंस हमें रहना चाहिए, और हम लोगों को अच्छा प्रोटीन मिलना चाहिए। एक्सरसाइज के वक्त कभी कभी वेयर एंड टेयर मसल होता है, तो प्रोटीन एक ऐसा चीज़ है वो मिनरल्स को अच्छा बिल्डअप करता है, और हर एक टिश्यू को बिल्डअप करता है अमाइनो एसिड्स देके, तो हमारा मसल्स उससे स्ट्रांग होता है। तो हम लोगों के डाइट में दूध हर दिन रहना चाहिए, दही, जिनको दूध नहीं जमता है लस्सी, दही, छाछ ऐसे ले सकते हैं, और जिनको पनीर जमता है उन लोग भी ले सकते हैं। जैसे नॉन वेजिटेरियंस है बहुत सारे हमारे पास, तो उन लोग चिकन, फिश, मटन ले सकते हैं।
तो ये प्रोटीन विटामिंस मिनरल्स हमारे मसल के लिए बहुत अच्छा काम करता है। और एक चीज़ ध्यान में रखना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट्स एडिक्वेट हमारे डाइट में रहना चाहिए, ओवरडू नहीं करना चाहिए। और हमारे मसल एक्टिविटी के लिए भी वाटर की बहुत ज़रूरत होती है, तो एडिक्वेट हाइड्रेशन, पानी की भी उतनी ही इम्पॉर्टेंस है जितना हम सारे न्यूट्रिएंट्स को देते हैं। तो बैलेंस डाइट लेने से आप लोगों को ये मसल वेस्टिंग या मसल टेयर या फेटीग ऐसी चीज़ महसूस नहीं होते हैं। जब भी हम फिटनेस रेजिमेन में हैं और डाइटिंग में हैं, इट शुड कम फ्रॉम अ क्वालिफाइड डाइटिशियन। सो ऐसे करने से आपको कुछ भी दिक्कत नहीं होएगा, हेल्दी वेट लॉस रहेगा, मसल्स फर्म भी रहेंगे। तो सही हिसाब से आप बैलेंस डाइट लेंगे, फिजिकली एक्टिव रहेंगे, तो हम लोगों को डिजीजेस से फ्री लाइफ रहेगा, तो हेल्दी लाइफ रहेगा। तो आप लोग सबको न्यूट्रिशन का इम्पोर्टेंस मालूम रहना चाहिए और प्रैक्टिस भी करना चाहिए। थैंक यू।